अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुम आरा एम आई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, ये स्टार डिजाइन थालपोसा है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और थोड़ा सा अलग है, हर थालपोस से अलग है। ये देखिए, इसको छूने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बनाने में बेहद आसान है। यहाँ तक का पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और आप लोग ने देखा भी है, और जिसने नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए इसे शुरू करें। ये देखिए, ये डिज़ाइन हमने पहले से ही बनाया है और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा मेरे चैनल में जाके। इसके ऊपर से ही हम दूसरा डिज़ाइन बना रहे हैं और ये थोड़ा थालपोस डिज़ाइन आएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने लिया है 6 नंबर का क्रोशिया है और ये वाला ऊन लगाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले नीचे में इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे। ऐसे और यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चैन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हम कहाँ पे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4। ये जो पंखुड़ी है, ये 4 पंखुड़ी छोड़ के इस तरह से ऐसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 10 चैन भी ले सकते हैं ताकि ये सिकुड़े नहीं। तो इस तरह से करके हम 9 9 चैन और ये 4 4 छोड़ के सिंगल क्रोशिया बना के पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 2 3 4, इसके सामने हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने पूरा 7 बार ये वाला चैन बना लिया है। अब यहाँ पे आके इस तरह से इसमें ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया करके इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए चैन लेंगे 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, ये चैन 3 और ये एक डबल क्रोशिया, तो ये 2 हो गया 3 4 5 6 और ये हो गया 7। यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और फिर इसमें 7 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 ये 5 6 और ये 7। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये आपका ऐसे आएगा।
तो फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर उसी तरह से 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चैन लेके फिर 7 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे। तो पूरी राउंड कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं इस तरह से बनेगा। देखिए ये आपका इसका लुक इस तरह से आएगा। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया ये रो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से इसमें सिंगल क्रोशिया करके इस धागे को हम निकाल देंगे। चाहे तो आप निकाल सकते हैं या इसी जगह छोड़ सकते हैं, चेंज करना है हर बार। अब हम ये वाला कलर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हम आगे की तरफ से ऐसे इस तरह से एक डबल क्रोशिया और फिर एक पीछे की तरफ से। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे आगे की तरफ से फिर एक पीछे की तरफ से। फिर ये देखिए ये हमने बना लिया। फिर अब इसमें एक डबल क्रोशिया और ऐड करेंगे यहाँ पे और फिर एक चैन लेंगे, फिर एक और चैन लेंगे और फिर इसी चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। उसके बाद फिर ये देखिए फिर ये हम पीछे से इसी तरह से करके ये पूरी रो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। एक दो तीन और ये 4 5, इसमें जो चैन लिए हैं 5 हो गया है। एक दो तीन 4 5, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ऐसे बना देंगे। फिर ये इस तरह से इसी तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करके फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। एक इस तरह से फ्रंट से आएगा, फिर बैक से आएगा, इस तरह से करके। तो पूरा हम बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरी रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से ये धागा निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह करके अटैच करके कट करके निकाल देंगे।
आप अपने हिसाब से अपने कलर का चेंज करिए। अगर आप चाहे तो कोई भी कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम फिर से ये वाला कलर लगाएंगे अभी, उसके बाद हम फिर दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया सबसे पहले बना लेते हैं, उसके बाद ये वाला देखिए, ये इस तरह से देखिए, ये जो है सबसे पहले हमने आगे से इस तरह से बनाया है। इस तरह से फिर ये वाला जो है ये पीछे से लेंगे ऐसे, और ये देखिए ये जो है आगे से। इसी तरह से आपको जितना बड़ा ये डिज़ाइन बनाना हो आप बना सकते हैं, और कलर आप चाहे तो एक ही रख सकते हैं, चाहे तो आप कलर को चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो आप ये जितना ऊपर जाइएगा ये आपका बढ़ेगा। अभी देखिए फिर यहाँ पे इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस चैन के अंदर ऐसे, फिर यहाँ पे दो चैन लेके और इसी के अंदर फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। उसके बाद फिर उसी तरह से सेम बनाना है। इस तरह से तो जिस तरह से ये आपका बड़ा होगा सेम इसी तरह से एक ही तरह से बनेगा, ऐसे ही बनता जाएगा इस तरह से। तो आपको जैसे बनाना हो आप बना सकते हैं। तो हम पूरा बना के फिर आपको दिखाते हैं, दो लाइन और बना लें उसके बाद दिखाते हैं। देखिए ये हमने बनाया है, जिस तरह से नीचे में हमने बनाया है उसी तरह से ऊपर में बनाया है। सिर्फ जो नीचे है थोड़ा सा कम है, और ऊपर जो यहाँ पे दो दो बढ़ा रहे हैं डबल क्रोशिया करके, वही आपका हर हर लाइन में बढ़ता जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे ये चेंज करेंगे कलर। तो सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं और कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तरह से करके कलर चेंज कर देंगे, और उसके बाद आप चाहें तो कोई भी कलर लगा सकते हैं अपने पसंद से, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप इसी कलर से बनाइएगा। हम यहाँ पे वाइट कलर लगाएंगे। तो देखिए वाइट कलर, देखिए यहाँ पे ऐसे लेंगे, ये पहले हम फ्रंट से ही लेंगे। तो ये आपका ऐसे, फिर एक इस तरह से लेंगे ऐसे, बैक और फ्रंट ही ये चलेगा आपको
ऐसे। और आपको जितना बड़ा बनाना हो आप इसी डिज़ाइन पे आप बना सकते हैं, चाहे तो इतना छोटा ही रहने दें या चाहे तो इसे बड़ा कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। और एक बात, आपको सारा थाल पोश का डिज़ाइन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहले हम नहीं डालते थे, हमको डालना भी नहीं आता है। और हम किसी से डलवाते हैं, अपने लड़का से या लड़की से डलवाते हैं। ये वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें लिंक डालना नहीं आता है। देखिए, यहाँ जो दो चैन लिए हैं, इसी दो चैन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से हम बना लेंगे ऐसे। फिर हम यहाँ पे एक और दो चैन लेंगे, फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद देखिए, ये आपको दिखेगा कि हमें फ्रंट वाला है या बैक वाला है, तो ये आपको दिखेगा। देखिए, ये फ्रंट है और ये जो दिख रहा है ये बैक है। ये देखिए, जूम करके देखिए। तो इसे हम इस तरह से ऐसे बनाएंगे। फिर इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है, आपको छूने में भी बहुत ही अलग लगेगा, लगेगा बहुत खूबसूरत लगेगा। आप एक बार ट्राई कीजिए इस डिज़ाइन को बनाने में। ऐसे अब देखिए, यहाँ पे फ्रंट आ गया है, बैक आ गया है, तो यहाँ पे बैक को रहने देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए, ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब फिर हम दूसरा शुरू करेंगे, तो इसे हम इस तरह से ऐसे, फिर इस तरह से, इसी तरह से करके हम जितना बड़ा हमको बनाना हो, जितना लाइन हम ये बना सकते हैं उतना हम बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, स्टार जैसा लग रहा है ये। तो हम पूरा बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हमने इतना कलर ये कंप्लीट कर लिया है, ये वाइट कलर। और यहाँ पे इसे हम ये रोकेंगे और अगला पार्ट के लिए आप फिर एक दूसरे वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे ज़्यादा मिले, सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा। और ये जो वीडियो अभी अपलोड होगा, ये सारा वीडियो में अभी जो एक महीना पहले हुआ है उस वीडियो में भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें जो हम बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो आपको हिंदी में पूरा लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उसे समझ भी सकते हैं। तो देखिए, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें और ये यहीं पे रोकते हैं। और कमेंट में बताएं कि इसके ऊपर ये वाला हम कलर कौन सा लगाएं, ये वाला लगाएं या पीला वाला लगाएं या कोई और कलर लगाएं, आप अपने हिसाब से चूज़ करके बताइए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।